मैं चुनूंगा एक स्टॉक को, वो है IDFC बैंक। मेरा पर्सनल व्यू है, फुल कन्विक्शन के साथ कहता हूँ कि ये स्टॉक मुझे लगता है कि करीबन 70 से 75 रुपए अगले 1 से 2 साल में होना ही चाहिए। उसका मूल कारण ये है कि IDFC बैंक की अगर आप प्रोविजन कवरेज रेशियो देखो तो करीबन 77% के आसपास है एज ऑफ मार्च 2018। मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि हम लोग प्रोविजन बढ़ाते जाएंगे, अगले 2 क्वार्टर में भी बढ़ाएंगे, एंड बाय मार्च 2019 पॉसिबली द प्रोविजन कवरेज रेशियो 90% के ऊपर होगा, विच इज पॉसिबली सेकेंड आफ्टर HDFC लिमिटेड। भले इमीडिएटली मूव ना आए, बट आई पर्सनली बिलीव बाय नेक्स्ट डिसम्बर whenever we talk again for 2020, hopefully, I think the stock should be quoting between 60 to 80 rupees. Certainly, in the next 12 to 18 months, there should be a doubler from here. तो IDFC बैंक ये 2019 के लिए शेयर मेहरबान सर की पसंद का 70-72 रुपए तक के टारगेट, यानी करीब करीब डबल ही हो जाएगा फिर तो। हाँ बिल्कुल।